कदम करना होगा, करना होगा, करना होगा। महिला को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सही, नहीं सही। महिला को विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं सही, नहीं सही, नहीं सही। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में आज हम लोग बंदी करने का काम किए हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार के द्वारा और बिहार विद्यालय के हस्तक्षेप के द्वारा जो चालू करने का जो काम किया गया है उसे हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। जब अनंत की ओर से मैट्रिक और इंटर नहीं संभल रहा है तो स्नातक वो घंटा संभालेंगे। स्नातक जो 7 लाख विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था इंटर में, वही खिलवाड़ अब स्नातक के छात्रों के साथ भी करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जनाधिकार छात्र परिषद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सम्मान में आज खड़े हैं और पूरे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेज को लोग बंदी करके ये बिहार सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं कि स्नातक के छात्रों के बीच में अगर पड़ेंगे तो हम लोग उन्हें चकनाचूर करने का काम कर देंगे, क्योंकि स्नातक के छात्र हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के परिवार है और उनके साथ हम लोग दोपहिया नाव पर चलने का अति चलने नहीं देंगे। इसलिए जनाधिकार छात्र परिषद आज ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद करवाने हेतु कॉलेज कमर सहित पटना के तमाम कॉलेजों को बंद करवाने के हम लोग काम किए हैं। जो काम आप लोग किए हैं, जिस बच्चे का 75% रिजल्ट आया है उसे भेजा गया है, अब वैसे वैसे कॉलेज में डाला गया है जिस कॉलेज जो कॉलेज मान्यता प्राप्ति नहीं है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, ना तो वहाँ शिक्षक मौजूद है ना वहाँ पे क्लासरूम की व्यवस्था है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे 10 बच्चे के लिए 10 लाख बच्चे के जीवन का सब खिलवाड़ होने जनाधिकार छात्र परिषद नहीं होने देगी और ऑनलाइन शिक्षा को बंद करवाने के लिए जो करना पड़ेगा हम लोग।